चमन ग्रेवयार्ड है जहां पर, और उसके अलावा शहर में बहुत से कब्रिस्तान हैं जिसमें बाउंड्री वॉल और उसकी निगहदाश्त के लिए स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के लिए नुमाइंदगी की गई थी, वो एक जरूरी काम है। उसके साथ साथ सबसे अहम बड़ा मसला अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ऐवान असेंबली में बेबाक नुमाइंदगी के नतीजे में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए शहर से 20 किलोमीटर दूर फकीर मुल्लाह की दरगाह की वक्फ आराजी का 50 एकड़ कब्रिस्तान के लिए दिया गया था। उसमें इब्तदाई मरहले में 20 लाख रुपये से कुछ बाउंड्री का काम हुआ, लेकिन अभी भी उसके तहफ्फुज के लिए उसकी बाउंड्री वॉल और उसमें जो ना हमवार इलाका है उसको हमवार करने के लिए फौरी जो सब तवज्जो देने की जरूरत है। अगर उसका बाउंड्रीज अगर फिक्स ना की जाए, उसकी बाउंड्री बाल उठाई ना जाए, तो हमें डर है कि उस पर भी इंक्रोचमेंट ना होना हो जाए। तो लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फकीर मुल्ला के ग्रेवयार्ड का तहफ्फुज के लिए जीएचएमसी फौरी तवज्जो दे और उसका एस्टिमेट प्रिपेयर कर फौरी काम शुरू किया जाए। ओल्ड सिटी से ही जो है पूरे मैयतें जाती है वहां पे, और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वगैरह में ऐसा कोई फंड्स भी नहीं है। हम बेहतर समझते हैं कि जब हमारे अपने यहां से ओल्ड सिटी से जीएचएमसी लिमिट से जाने वाली मौतें जाती है, तो उसको अगर हम जीएचएमसी अगर एक काम करें तो बहुत बेहतर रहेगा। वहां पे हमको जो हैंडओवर दिया है अभी सिर्फ 36 एकड़ हमको लैंड हमारे हैंडओवर किया गया है, लेकिन अभी तक वहां पर 16 एकड़ लैंड जो है ना गवर्नमेंट की जानिब से जो बालापुर मंडल में आती है हमारे हैंडओवर नहीं किया गया है। कि और मेरा मुतालिबा यह है कि जीएचएमसी कमिश्नर साहब की जानिब से मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, लगातार इंक्रोचमेंट हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि उस 36 और जो 16 एकड़ जो लैंड भाई हमको भी लेना है, मेरा मुतालिबा यह है कि आप तवज्जो दे और उस जमीन को हमारे हैंडओवर करे जाए। वो ग्रेवयार्ड का खाली आके इंस्पेक्शन करके गए, उसके अंदर फर्दर कोई वो फॉरवर्ड नहीं करे उसको। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे वो बराने शाह साहब की दरगाह का ग्रेवयार्ड भी मॉडर्न ग्रेवयार्ड बोल के दीजिए। ओके।